इस बार महाशिवरात्रि 18 फरवरी 2023 को है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। ये पर्व फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन लोग पूरी आस्था और भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। शिवजी को प्रसन्न और उनका आशीर्वाद पाने के लिए महाशिवरात्रि का व्रत सबसे उत्तम माना जाता है। मानता है कि इस दिन व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजा करने से भक्तों की हर मनोकामनाएं पूरी होती है, साथ ही भोलेनाथ की कृपा से कष्ट दूर होते हैं। लेकिन शिवरात्रि व्रत के दौरान कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। इस दिन कुछ गलतियों के कारण आपको व्रत का शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। ऐसे में चलिए आज जानते हैं महाशिवरात्रि के व्रत के दौरान कौन से गलतियां नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, महाशिवरात्रि व्रत के नियम। महाशिवरात्रि व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें, फिर घर में या आसपास किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। जलाभिषेक के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करें और व्रत कथा अवश्य सुनें। महाशिवरात्रि व्रत में एक ही समय भोजन करना चाहिए। आप चाहे तो व्रत में फलहार भी ले सकते हैं। नंबर 2, शिवजी की पूजा में न करें ये गलतियाँ। महाशिवरात्रि के दिन शिवजी की पूजा में अभिषेक के समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दूध से अभिषेक करने के लिए तांबे के कलश का इस्तेमाल न करें। तांबे के पात्र में दूध डालने से दूध संक्रमित हो जाता है और चढ़ाने योग्य नहीं रह जाता। नंबर 3, जलाभिषेक के नियम। महाशिवरात्रि के दिन पूजा के दौरान शिवलिंग पर दूध, दही, शहद या कोई भी वस्तु चढ़ाने के बाद जल जरूर चढ़ाएं। आखिर में जल चढ़ाने से ही जलाभिषेक पूर्ण माना जाता है। नंबर 4, शिवलिंग पर न चढ़ाएं रोली और सिंदूर। मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर भी कभी रोली और सिंदूर का तिलक नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। शिवजी की पूजा में चंदन का तिलक का इस्तेमाल करना सबसे उत्तम माना जाता है। नंबर 5, शिवलिंग की परिक्रमा के नियम। महाशिवरात्रि व्रत के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग की कभी भी पूरी परिक्रमा न करें। परिक्रमा के दौरान ध्यान दें कि जिस जगह से दूध बह रहा हो वहां रुककर वापस घूम जाए।